ये बाबा आ गया घुम के दाड़ी मुछ दे मुछ रखी कर आपे नहीं बन गया आपे कट ली क्या मैं तो ये बई सारे चले कनेडा तो अपने वालों ऑल दी बेस्ट ब्राइट फ्यूचर हो सारे दे ते जो वापस इंडिया आओ तो बल्ले बल्ले होंगी हो ठीक है तक पी हो नहीं आई इतनी अच्छी समाइल दी ना फिदा हो जाऊँ मैं तो मेरे तो इसका दिल कर रहा ब्याह कराओ मेरा दिल कर रहा फिदा हो जाऊँ ठीक है ना। उन्होंने बोला वाई गो टू तेरा ना मैंने कहा टूरिज्म वी आर यूट्यूबर यूट्यूबर का कहते खिल गई जैसे सही बताया इसने भाई भाई हो अभी जा रहे हैं वापस ठीक है ना। तो लूना से मिलकर बहुत अच्छा लगा है ठीक है तो अच्छा लग रहा है वाकई में बहुत खुशी हुई है। और अब हम जा रहे हैं वापस और मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस स्टैंड और बस स्टैंड से बस मिलेगी मेरे को 70 नंबर और 72 नंबर सीधी एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा भाई ठीक है ना। 72 नंबर से एंट्री की थी बस से आपने बेलग्रेड में अब 72 नंबर से वापस जाएंगे अब ठीक है ना। तो अभी चलते हैं यार देखते हैं आगे क्या होता है जो भी होगा PCR टेस्ट करवाना है सारा कुछ करवाना है अभी ना तो चलो भाई। तो भाई अभी टाइम आ गया मैं जा रहा हूँ इस वे और लूना जा रही है इस वे आई थिंक। तो आई थिंक लूना यू गो इन दिस साइड and I go this side okay. because I go to airport and you will go to fortress side I will go to Ireland ja rahi bhai so thank you so much I'm really happy to meet you and thank you. bahut acha laga bhai Safe nice to trip. thank you so Take much care. bye bye theek hai to bhai acha laga to bhai abhi ja rahe hain airport theek hai na prakat wait kar raha hai yahan pe yaar bhai kafi din ho gaye aur abhi batti green mil rahi hai apne ko to apne bhai bhag ke nikal jate hain रेड हो गई भाई रेड हो गई तो अभी भाई थैंक यू सो मच लोग यहाँ पे इतने समझदार है पहले ही रोक लेते हैं भाई ठीक है ना अभी बंदा निकलने वाला है ठीक है ना। तो अपने भाई जा रहे हैं अभी तो यार कैसा लगा सर्बिया में आपको सारे वो लोग कैसे लगे पर एक चीज़ वो प्रॉब्लम हो गई आपको पता है यार वीज़ा वाली मॉन्टीनेग्रो का वीज़ा आ जाता तो भाई लैंड निकल जाते पर अभी यार नहीं आया तो क्या करें अभी ना तो कोई बात नहीं अभी अल्बेनिया जा रहे हैं ऑन अराइवल वीज़ा है देखो जाके पता लगेगा क्या होता है ना। तो बाकी इस ट्रिप का पूरा खर्चा कितना लगा कितना नहीं लगा जो आपके क्वेश्चन था ना सारा मिल जाएगा भाई आपको आने वाली वीडियो में ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो मज़ा आ जाएगा पूरा है ना। तो भाइयों अभी बस का वेट कर रहा हूँ यार 5:20 पे बस है और 6:30 पहुँचूँगा एयरपोर्ट और रात की यार 12:30 है वैसे फ्लाइट तो देखते हैं क्या होता है यार है ना जो भी होगा देखा जाएगा अब तो भाई राम भरोसे काम है ना ठीक है। बाकी बस का वेट कर रहा हूँ यार इस पुल के नीचे आ रही है बस पहले मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया पर बस तो अभी लेट आनी है फिर पुल के नीचे से यहाँ से ऊपर से आ गया इस साइड में आया क्योंकि अपने को इस साइड जाना है भाई। जो अभी बैठ गए हैं बस में और टिकट मैंने भाई ले ली है 150 रुपये की पड़ी है ये नीचे लिखा है 150 रुपये ठीक है ना। तो ये काफ़ी लंबा रूट है भाई टिकट मैंने ले ली है तो इससे प्रूफ भी रहता है ना अभी मैं एयरपोर्ट गया हूँ तो अच्छी ये मैंने इसलिए टिकट ले भी लिया ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी 72 बस से ही वापस जा रहा हूँ प्रगट तो पहले पहुँच ही गया है तो थोड़ा सा लेट हूँ बाकी जाके देखते हैं। अभी देखो भाई लास्ट सीन है बेलग्रेड का सिटी का देख लो भाई है ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बेलग्रेड में तो लोग बहुत अच्छे हैं कोऑपरेटिव है मोस्ट वेलकम है आप ही अगर आओ तो मोस्ट वेलकम है। बाकी अभी श्योर हो रहा है बस मैं बात जाके बात करता हूँ ठीक है। तो दोस्तों जहाँ से इस कंट्री में एंटर किया था ना वहीं पे पहुँच गए हैं और अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर यार ठीक है ना। वहीं पे उस साइड में बस लगी है वहाँ पे आ गए थे और अभी जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट के अंदर ठीक है ना। ये वही एयरपोर्ट है नुकेला टेस्ला एयरपोर्ट बेलग्रेड वो देखो भाई लिखा है बेलग्रेड एयरपोर्ट ठीक है ना। ये पुलिस वाले आ रहे हैं भाई इधर पुलिस वालों से भीड़ना नहीं है यूरोपियन कंट्री हैं भाई नहीं तो आपके पता नहीं काम कर देंगे आपका ठीक है ना। या तो भाई इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस इन सर्बिया एंड नाउ वी विल फ्लाई फॉर अल्बेनिया ठीक है ना। भाई फ्लाइट के बंदे देख लो मास्टर पायलट पुलेट सारे आ गए ठीक है ना। प्रगट यहीं पे बैठा था आई थिंक यार इसी गेट पे ठीक है ना। तो अपने को यहीं से एंट्री करनी है भाई ठीक है ना। चलो भी अंदर वहाँ पे सामने भाई कोविड की लैंड उधर नहीं है भाई उधर नहीं है उस साइड में है ना। ये बाबा आ गया घुम के दाड़ी मुछ दे मुछ रखी कर आपे नहीं बन गया आपे कट ली क्या मशीन का फायदा तो हो गया ली का ठीक छोटी बड़ी होगी इतों बड़ी है कोई नहीं मैं करूँ दोबारा तेरी वधिया ठीक है। तो भाई ये है कोविड टेस्ट का देख लो पोस्ट ऑफिस ठीक है ना। यहाँ पे पैसे जमा करवाने पड़ेंगे और उस साइड में भाई लाइन लगी है ना वहाँ पे लाइन लगी
तो जो भी देख रहा है भाई, सर्बिया आने की सोच रहा है और टेस्ट करवाने की सोच रहा है कनाडा वाला, तो देख सकता हो भाई यहाँ से होगा, ठीक है ना। कोई खुला काम यार, खुला खाओ, नंगा ना हो, सीधी जी गल है ना, ठीक है, पूरा नज़ारा है। तो भाई एटीएम से अभी निकलवा लिए मैंने 9,000 दिनार जो कि कोविड टेस्ट के यहाँ पे लगेंगे। भाई एटीएम के अंदर आ गया हूँ, अभी जा रहा हूँ कोविड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि भाई पैसे के बिना कौन सा टेस्ट करेगा, ठीक है ना। कोविड वाली लाइन लगी हुई यार, ठीक है ना। तो अभी वहाँ पर जा रहा हूँ, कोविड टेस्ट करवाएँगे, और बहुत ईजी है प्रोसेस, 2 घंटे लगते हैं। कनाडा के स्टूडेंट यहाँ पे भरे पड़े हैं यार, ठीक है ना, इंडियंस भरे पड़े हैं, पंजाबी भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो यार वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कनाडा जाते हैं, 7 दिन का यहाँ पे वो भी कर लेते हैं ना, स्टे भी कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, तो अच्छा है। मतलब उनका टोटल खर्चा यार 1.5 लाख रुपये लगता है आई थिंक। मेरे को एक बंदा मिला था कल मिला था शायद तक, उसने बताया था मुझे, वो भी कनाडा जा रहा था, फ्रेश स्टूडेंट था, ठीक है ना। लास्ट वाले ब्लॉग में है आई थिंक, लास्ट नहीं, उससे लास्ट वाले भी तो एक दो पीछे ब्लॉग है उसमें, ठीक है ना। तो अभी जा रहे हैं यार कोविड टेस्ट अपने भी करवाते हैं, ठीक है। भाइयों यहाँ पे करवा लिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, 9,090 रुपये ले रूबल रह रहे हैं, दिनार ले रहे हैं भाई, और हमारा हो गया है अभी रजिस्ट्रेशन हो गया। और यहाँ पे भी क्यू में लंबी लाइन में लगना पड़ेगा यार, ठीक है ना। उससे पहले उधर सामान पड़ा यार, वो सामान ले के जाएँगे, प्रगट अभी लाइन में लगा हुआ है। तो ईजी है, बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मोस्ट वेलकम है, सर्बिया में आओ, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, आ जाओ भाई। 7 दिन का क्वारंटाइन है, करो और मज़े करो, ठीक है। भाई अभी लाइन में लग गए हैं, लाइन भाई पूरी लंबी है, यहाँ से घूम के जागे ऐसे और घूम के लंबी है। सामान वहाँ पे रख दिया, जितना टाइम लगेगा भाई लगेगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे गोरे लोग कम दिख रहे हैं, अपने वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, एक दो ब्राज़ील वाला भी है भाई, ठीक है ना, वाला नहीं वाली है भाई। इधर से चेक इन की लाइन हो रही है भाई ये, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है अपनी फ़्लाइट 12:40 एथेंस, नहीं एथेंस के बाद में जो फ़्लाइट है वो अपनी भाई। तो भाइयों वहाँ पे पूरा मतलब लेबोरेटरी का टेस्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, और यहाँ पे आपको ईमेल और फ़ोन नंबर देना होगा जिसके ऊपर आपको वो आ जाता है, ठीक है। और आगे वहाँ पे भाई टेस्ट हो रहा है, बाकी आपको लाइव दिखाई देगा आपको भाई, ठीक है। तो बने रहो भाई, इधर हो गया सारा काम रेडी, सारा उनको हमने को एक दे दिया सौदा पता, और उसके बाद में अब प्रगट लगा हुआ है लाइन में, तो हमारा नंबर आएगा अभी, तो टेस्ट हो जाएगा और 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है यार, कोई बड़ा बात है नहीं, है ना, ठीक है। बाकी अच्छा है यार, सेफ्टी ज़रूरी है ना, कहीं भी ट्रैवल करो। चलो अभी अपना नंबर आ गया, एक नंबर पे। हाय या पीसीआर, थैंक यू। Okay. Oh my god. It's okay. Thank you so much. Bye bye. तो भाइयों हो गया ना काम, कितना की था यार, अभी 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, यहीं से लेनी पड़ेगी, ठीक है। इतना काम था, नक्की हो गया। तो भाइयों आजकल पता है क्या, ट्रालियों के लगने लग गए पैसे, तो हमने भी ट्राली ले ली, ठीक है ना, क्योंकि यार अब कोई तो कितने की लेता है, कोई कितने ही लेता है, हम भी वही यार हैं तो भाई जमींदार ही बंदे, ठीक है ना। पर हमारे पास ट्राली छोटी है भाई, ये देखो अपनी ट्राली है, सामान रख लिया यार। वैसे यार कितना टाइम हो गया यार, बाहर कंधों पे उठा उठा के फिर फ्री फील हो रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। वो दे मामे खड़े हैं, पहले मैं करे ना फिर तू करे। तो भाई अपने को मिल गए अपने भाई, ठीक है ना। तो नज़ारा आ गया भाई, बड़े टाइम के बाद मतलब यार भाई मिले हैं। भाई नाम सुखविंदर सिंह, कितना भाई अपना नाम, पूरा दस बठिंडे तो आए हाय आए। ते भरा नाम मेरा गुरसाज सिंह, तरनतारन तो भरा अमृत सिंह बसरावा तो, अब बल्ले बल्ले शरा सिमरन सिंह लुधियाने तो, रेकॉर्ड को लुधियाने तो भाई भिखी बैठ दे इलाका तरनतारन। वाह जी वाह, क्या बात, नाम दे दस दे ते ना भाई ना नाम गुरसिमरन दी, गुरसिमरन ते ए भाई सारे चले कनाडा, ते अपने वालों ऑल दी बेस्ट, ब्राइट फ्यूचर होए तेरे सारे दे, ते जदों वापस इंडिया आओ ते बल्ले बल्ले हुंदी होए, ठीक है ना, तक पैंदी होए कि नहीं, ठीक है ना, स्वाद ही है। ते तुहानू भी किसी नूं जाना कनेडा जाना कितने मर्जी जाना, मोस्ट वेलकम है, हार्ड वर्क करो, सारे ने किते, सारे 7-7 बैंड 6.5 तो घट किसे दे नहीं है, क्यों भाई, किसे सारे प्लस 2 करके आए हैं, ते वधिया बैंड ने,
तो फाइल आपे लगनी है, सब सारे दी वीजा लगनी है, ठीक है ना। किसी को डीमोटिव होने की लड़ नहीं, वधिया मेहनत करो, आइलैट्स करो, किसी के चक्कर से कम ना करो, मतलब व्याह होने वाले चक्कर से ना पाओ, मेहनत आप करो, झासे से ना आओ, ठीक है नी। हाँ आप ये अमरीका वाला, इन्हें इन्हें कनेडा तो अमरीका की डोंकी लाउनी है। बाबे बड़े लाने ने मेरे ना ना अमरीका जा सकता पर रहनी पैंती है, पर कई ये पिंड ने जो बॉर्डर से पेंदे जो लोग है ना बॉर्डर वाले करते इधर उधर क्रॉस करते हैं। हाँ ताई है बॉर्डर क्रॉस करके दूजे पिंड कहना अमरीका तो लैके आया मैं, कहना कहना एनर्जी ड्रिंक अमरीका तो लैके आया मैं, ठीक है ना। तो वधिया बहुत वधिया लगे यार सारे मिलके, ठीक है ते वधिया रब तरक्की देवे तुहानू, ठीक है जी। ते किवें ठीक है कम इदां ही है भाई। तो भाई वो एयर सर्बिया में अपनी फ्लाइट थी और जो बड़े वाला बैग थे ना तो वहाँ पे मैंने कर दिया है और मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया है। ये देखो भाई एयर सर्बिया का, ठीक है ना, बोर्डिंग पास मिल गया, पासपोर्ट अपने पास है और कुछ नहीं पूछा, नथिंग, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। उन्होंने जब कोविड भी नहीं पूछा इन्होंने, मतलब टिकट वालों ने कुछ नहीं पूछा। अभी जा रहे हैं ऊपर भाई, वहाँ पर अपना बोर्डिंग ओपन हो जाएगी आई थिंक, और इमिग्रेशन का वहाँ पे होगा अपना एग्जिट लेना ना, एग्जिट स्टैम्प लेनी है अभी तक। तो अभी जा रहे हैं ऊपर और ऊपर से जाएंगे इमिग्रेशन भाई, वहाँ पे जाना ज़रूरी है ना, तो चलते हैं अभी। भाई ऊपर आ गए हैं और आपको एक चीज़ बता दूँ, आप देख रहे ना कैमरा सेटअप क्या है क्या है क्या नहीं है भाई, देख लो ये फ़ोन है और आपका भाई ये भी है, ठीक है ना। किधर चल रहा कैमरा इतने समझ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई इंस्टाग्राम चलाना है तो इंस्टाग्राम पे आई एम दी पिराज यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ आई एम दी पी आर ए जी, सर्च कर लो भाई, आ चुको भाई आ गया ना। ये अपनी प्रोफाइल अभी इंस्टाग्राम की, जिसने नहीं फॉलो किया ना फॉलो कर लेना भाई, ठीक है ना। ये वीडियो किसने नहीं देखी भाई ये बताओ, नहीं देखी आपने, अगर देखी होगी तो भाई देख लो, आपका भाई स्मार्ट तो बहुत लग रहा है ना, नहीं है क्या, ठीक है ना। तो ये भाई यहाँ पे फन सिस्टम है, ठीक है ना। तो अभी भाई यहाँ पे होम पे चले जाएँ और सेल्फी ले लो। तो ये हमारा सिस्टम था भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा फ़ोन का सेटअप है भाई, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। मेरे को तो अच्छा लगा, बाकी आप बता दो क्या लगा भाई, ठीक है ना। ओके अभी चल रहे हैं भाई फ्लाइट, क्योंकि टाइम हो गया यार 11 बजे। आइयो इतनी अच्छी स्माइल दी ना, फिदा हो जाऊँ मैं तो मेरे तो इसका दिल कर रहा है ब्याह कराओ, मेरा दिल कर रहा है फिदा हो जाऊँ, ठीक है ना। उन्होंने बोला वाई गो टू तैराना, मैंने कहा टूरिज्म, वी आर यूट्यूबर, यूट्यूबर का कहते खिल गई, जैसे सही बताया इसने भाई, क्या यूट्यूबर भाई यहाँ पे यूट्यूबर का बोलते सेंटी हो जाते हैं। अभी ड्यूटी फ्री एरिया में आके एकदम कुछ नहीं बोला भाई, यूट्यूबर का बोलते उसने मेरा जापान का वीज़ा देखा, कहना जापान वाव, इतना वाव बोला और स्टैंप भाई एक वर्ड नहीं पूछा उन्होंने, स्टैंप ठोक दी, ठीक है ना, कुछ नहीं पूछा बाकी। तो अभी जा रहे हैं अपने बोर्डिंग में भाई, ये है ड्यूटी फ्री एरिया, ठीक है ना। कहीं पर जाओ भाई ड्यूटी फ्री एरिया हर होता है, पर इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए होता है आई थिंक, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रैवल कर रखा है, देख रखा है एयरपोर्ट पे, ठीक है ना। तो कौन सी ग्लासेस किसके लिए लेनी है बताना मैंने, कशिश पाजी ये ग्लासेस आपके लिए थी, बताओ कौन सा है, पर थोड़ी सी महंगी है कशिश पाजी, कोई नहीं कभी इकट्ठे जाके लेके आएंगे दुबई दुबई से, है ना। बाकी कैप कूप टोपी टोपी भाई पूरे आई लव 50%, वाओ दैट्स ग्रेट। कौन कौन है, किस किस को पसंद है भाई 50%, बाकी पूरा एकदम भाई ड्यूटी फ्री एरिया हो गया ख़त्म, इतना ही था, छोटा सा एयरपोर्ट है, छोटी सी ड्यूटी फ्री। तो अभी जा रहे हैं आगे यार, तो अभी प्रकट बोल रहा सू 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 सू, ठंड मिल गई, शांति पै गई है, बाकी जिंदगी पे मेहनत ही काम है भाई, सही गल है। इस चीज़ के बाद शांति जो मिलती है ना, वो जिसको फीलिंग होती है वही बताए, ठीक है ना। अपना गेट नंबर है भाई 5C5, तो वहाँ पे जा रहे हैं, पूरा क्राउड आ रहा है, मतलब कोई फ्लाइट आई होगी यार आई थिंक, ठीक है ना। और अभी जा रहे हैं अभी C5 पे, C6 आ गया, C6 आ गया, C5 हो रहा आ गया भाई। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, 49 कंट्री है ना जो बेलग्रेड के नज़दीक पड़ती है भाई, देख लो एयर सर्बिया की फ़्लाइटें वहाँ पे जाती है। हाँ C5 नंबर गेट है, और अपना भाई यहाँ से बैगेज चेक होगा, सारा कुछ चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि यही अपना गेट है भाई 5 नंबर आई थिंक, या ये भाई।